नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां जेल में हुआ कोरोना विस्फोट। जेल में मिले 14 कोरोना संक्रमित मरीज। आपको बता दें कि 14 मरीजों के मिलने के बाद जेल में हड़कंप मच गया। जेल में बंद अन्य कैदियों की जांच शुरू हो गई। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 14 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। आपको बता दें कि जेल में कैदियों की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने बैठक की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि इस बार आरजेडी पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के लिए बातचीत का दौर जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर तक लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने आधी सजा काट ली है। वहीं बैठक में तेजस्वी यादव पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों के बीच मतभेद से काफी परेशान दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। मनमुटाव को दूर करने के लिए साथ में खाना भी खिलाया गया। और जो उनका समय सीमा है बेल का, वो पूरा हो रहा है, इसलिए हम लोग कयास लगा रहे हैं कि अक्टूबर तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जमानत पर बाहर आएंगे। यही कयास। अच्छा, कुछ टास्क दिया गया, कुछ टारगेट आप लोगों ने फिक्स किया? इसकी जिम्मेवारी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जगदा बाबू देंगे कि क्या टास्क दिए हैं नहीं दिए हैं हमसे। और जनरल बात पूछना है तो लालू जी लगता है आप लोग बाहर आ जाएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री श्याम रजक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बाबू अब कोर्ट को निर्देश देने लगे हैं। तेजस्वी को आरजेडी टूटने की चिंता सता रही है, इसलिए अपने नेताओं को कह रहे हैं कि लालू यादव का बेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव को अब धैर्य नहीं रहा, वे अधैर्य हो गए हैं। यादव जी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को और विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्टूबर तक सब ठीक हो जाएगा, अक्टूबर में कोर्ट का निर्णय आएगा और लालू जी छूट करके आएंगे, आप सब लोग धैर्य रखिए। मुझे बबुआ पर बड़ा हसर होता है कि बबुआ जो है अब कोर्ट को भी निर्देश देने का काम कर दिए। बबुआ को कोर्ट को निर्देश दे करके कह रहे हैं कि अक्टूबर में लालू जी छूट जाएंगे। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले की भविष्यवाणी कर ये कहना कि चुनाव नहीं होना चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने जीवन में 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस जिसके भरोसे चुनाव में जाना चाहती है, वो खुद चुनाव से भाग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भले ही बैठकें कर ले, लेकिन बाद में उसे पता चल जाएगा कि चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी। इस बार कांग्रेस 3 सीट भी नहीं जीत पाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर आर्थिक सहायता पैकेज का प्रचार प्रसार पार्टी गांव-गांव में करेगी। चुनाव आयोग को करना है और चुनाव आयोग हमेशा सभी बातों का ख्याल रखती है। चुनाव आयोग सभी बातों सभी परिस्थितियों का ख्याल रखे। आखिर चुनाव आयोग नहीं, अभी विधान परिषद का चुनाव टाला हुआ हमारी 8 सीटों का, तो यह तो चुनाव आयोग को सोचना है। पर आप पहले ही कहिए कि नहीं 3 महीने बाद चुनाव आयोग को चुनाव नहीं कराना चाहिए। आज क्या आप में से कोई इस बात की सक्षम है क्या कि 3 महीने बाद चुनाव कोरोना की क्या स्थिति होगी? कम से कम मैं सक्षम नहीं हूँ, ना डॉक्टर के नाते ना राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, बल्कि मैं MD मेडिसिन के नाते सक्षम नहीं हूँ कि 3 महीने बाद क्या होने जा रहा। तो इसीलिए इसको कौन तय करेगा? बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम पद का चेहरे पर कांग्रेस ने अपने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि समय आने पर घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से हमारी मुलाकात हुई है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात होनी है। महागठबंधन को लेकर नेताओं में कोई मतभेद नहीं है, कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही चुनाव में जाएगी। वहीं उम्मीदवारों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि जब तक आपसी साझेदारी से फैसला नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस किसी सीट को लेकर कोई घोषणा नहीं करेगी।
मैंने कहा कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। कल तेजस्वी भाई ने हमको डिनर पे बुलाया था, तो मैं, मदन भाई, सदानंद बाबू, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर जी, अखिलेश सिंह जी, हम गए थे। कहते हैं हमारे गुजरात में, अन्न भेगा तेना मन भेगा, माने जो साथ खाते हैं उनका मन भी साथ होता है, हमारा मन भी साथ है। जितना मांझी जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आज चाय पे बुलाया है, मैं शाम को उनके वहाँ चाय पे जा रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी आज दिल्ली में हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे, हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स, ये उनकी फर्ज में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाजपा के पास पैसे है तो वो जो ठीक पड़े वो करते रहें, और दूसरी पार्टी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं। हम कहते हैं कि हमें हमारा जो ट्रेडिशनल है, अब वोटर की सलामती भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ग्राउंड है उसे कम कैपेसिटी में लोगों को इकट्ठा कीजिए, सैनिटाइजर दीजिए, मास्क दीजिए, सोशल डिस्टेंस करवाइए, और ग्राउंड की कैपेसिटी से कम में परमिशन दीजिए। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार क्षेत्रीय बैठक का दौर जारी है। गुरुवार को भी 7 जिलों की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिले की क्षेत्रीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत 7 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण केंद्र की योजनाएं सही से जनता तक नहीं पहुंच रही है, विकास कार्यों में भी राज्य सरकार राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने लगभग विभिन्न योजनाओं में 20,97,000 करोड़ रुपये का एक मुश्त आवंटन देकर के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर के दिशा में कार्य कर सके, वैसे क्षेत्रों में योजनाओं को भारत सरकार ने धरातल पर लाने का प्रयास किया है। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू के मामले में रांची की कोर्ट ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे और बेटा शुभांगन पांडे से जुड़ी अग्रिम जमानत मामले की सुनवाई एजेंसी दिवाकर पांडे की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को 16 जुलाई तक केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाना में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसमें पूर्व डीजीपी डीके पांडे, पत्नी पूनम पांडे और बेटा शुभांगन पांडे के खिलाफ प्रताड़ना और दहेज की मांग करने का आरोप था। थाना कांड संख्या 18-20 से संबंधित था। इसमें पिटिशनर भूतपूर्व डीजीपी दिनेश कुमार पांडे एवं उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम पांडे तथा उनका बेटा शुभांकन पांडे के अग्रिम जमानत का पिटीशन पर श्री दिवाकर पांडे एजेसी 18 के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने सूचिका को नोटिस करने का आदेश किया तथा अभियोजन को इसमें कांड देने की 16-7-20 तक न्यायालय में दाखिल करने का भी आदेश दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का रिम्स में हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिलहाल मंत्री अभी स्वस्थ हैं। उन्हें फिलहाल रिकवर रूम में रखा गया है। जांच के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री का ऑपरेशन करने वाली सर्जरी टीम में प्रोफेसर शीतल मलुआ, डॉक्टर निशित इक्का, डॉक्टर मृत्युंजय मुंडू, जबकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर प्रवीण तिवारी, डॉक्टर लाधू लकड़ा, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर शक्ति सिंह शामिल थे। करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। नॉर्मल जो हम लोग बोलचाल में हर्निया कहते हैं वो उस तरह का हर्निया नहीं था, ये दूसरी तरह का हर्निया होता है, वेंट्रल हर्निया।
तो उसके वजह से इनको तकलीफ थी, वहाँ पे आंत और अंदर पेट के अंदर की चर्बी फंस रही थी। ये फंस कर ज़्यादा फंस जाने से ये फिर जान को खतरा हो सकता है ऐसे में, परंतु ये इसीलिए ये देखा गया, जांच की गई, जब पता चला कि अतड़ी फंस रही है और इससे फिर आगे नुकसान हो सकता है, इसीलिए ऑपरेशन का मन बनाया गया। कोरोना काल में भी वैसा नहीं रहता तो फिर हम लोग टाल सकते थे, परंतु ये लगा कि अभी ऑपरेशन करना जरूरी है। बिहार में सरकार तक कोरोना पहुंच चुका है। सीएम की भतीजी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी के भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा पैदा हो गया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के पीए समेत उनके सेल के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमण के बाद वित्त विभाग को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के चैंबर से महज चंद कदमों की दूरी पर ही वित्त विभाग का ऑफिस है। फिलहाल दफ्तर को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में सभी दल लगे हुए हैं। पटना में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जिसमें चिराग पासवान, राजू तिवारी, प्रिंस राज समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ये खुद के लिए भी जरूरी है, मतलब ये सिर्फ कहने लिखने दिखाने के लिए पर जरूरी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। विधायक सरयू राय ने बताया कि अब जनता को शिकायत करने के लिए उनके पास आने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। और इसके साथ ही टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, यहाँ जनता अपने विधायक तक अपनी बात पहुँचा सकेगी। हम लोगों का के घूमने पर एक तरह से प्रतिबंध बहुत लग गया है, स्वतंत्रतापूर्वक जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। लोगों के लिए भी संपर्क करना कठिन है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी जन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हम लोगों ने एक शिकायत केंद्र पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल पर टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप है, मेल नंबर है। पटना में जेडीयू विधायक पन्नालाल पटेल की आवास पर ट्रक ड्राइवर और खलासी की बर्बरता से पिटाई की गई। ट्रक और विधायक की गाड़ी में टक्कर हुई थी, जिसके बाद जबरन ट्रक को विधायक आवास पकड़कर लाया गया। ड्राइवर और खलासी को रात से बंद कर विधायक आवास में उनकी पिटाई की गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़ाया। दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। आपको बता दें कि जिस गाड़ी से ट्रक की टक्कर हुई थी उसमें विधायक मौजूद नहीं थे। एनएमसीएच पटना में 2 दिनों से कोरोना के मरीज के परे होने के मामले में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मैंने अधीक्षक से इसकी जानकारी ली है, अधीक्षक ने इस मामले पर मुझे जो जानकारी दी है उस आधार पर अस्पताल में कोरोना के मरीज होने की सूचना गलत है। तो उसके बाद उसके परिवार को सूचना देना, जिला प्रशासन को सूचना देना, पटना जिला प्रशासन और जिस जिले का वो पेशेंट है, फिर उसके बाद उसके डेड बॉडी को कुछ मेडिकली सैनिटाइज, ये सारी चीज़ करने पड़ते, जो डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया से बताएंगे, लेकिन एक कोई प्रक्रिया होती है। फिर उनको बॉडी बैग देना होता है, फिर जो उनको लेके आगे जाता है जो मोर्चरी वैन होता है वो, उसमें स्टाफ्स अलग प्रकार के होते हैं और उसमें जो वो स्टाफ्स होते हैं उनको भी पूरा पीपीई किट वगैरह कवर करके हम लोग देते हैं। फिर आगे तक की सारी व्यवस्थाओं में सावधानी बरतनी होती है। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा में किसान के बेटे ने स्टेट टॉपर बनकर मिसाल कायम की है। प्रतिभा
परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, इसे साबित कर दिखाया है साहिबगंज जिले के छोटे से गांव दरला के किसान परिवार में जन्मे मनीष कुमार कटियार ने। मनीष ने अपने प्रतिभा को साबित करते हुए मैट्रिक परीक्षा में राज्य टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। जैक संचालित मैट्रिक परीक्षा के जारी परिणाम में मनीष ने 490 अंक लाकर यह सफलता हासिल की है। मनीष राजमहल प्रखंड के छोटे से गांव दरला के किसान केदार महतो और सुगिया देवी के पुत्र हैं। मनीष अपने दो भाई और एक बहन में सबसे बड़े हैं। अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मनीष ने कहा कि ईमानदार परिश्रम और लगन का इनाम उन्हें स्टेट टॉपर के रूप में मिला है। इसका श्रेय उन्होंने अपने गुरुजन और अपने माता पिता को दिया है। वहीं मनीष के माता पिता अपने बेटे की सफलता से काफी प्रसन्न हैं। मैं नेत्रहाट में मतलब 7th क्लास से 10th तक की पढ़ाई की और प्रारंभ में ही मेरे रिजल्ट टॉप 10 में रहता था क्लास में, और मैंने शुरू से ही थोड़ा ध्यान दिया था और 10th तक मुझे सर्वश्रेष्ठ आने का मौका मिला। किनको श्रेय देना चाहेंगे आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य में? कि मैं इसका पहला श्रेय अपने पिताजी को दूंगा और माताजी को और सभी सदस्यों को, और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने आश्रम अध्यक्ष श्री विदु शेखर देव जी को दूंगा, वन प्राचार्य संतोष कुमार सिंह जी को। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि विकास दुबे का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उसे 3-4 महीने में कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामले का स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक पहुंचे, न्यायालय का फैसला आए और ये संदेश पूरे देश में जाए कि पुलिस के साथ जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे जितनी बड़ी औकात हो, उसको अंतिम मुकाम तक पुलिस पहुंचाकर। पटना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के पास भैंस के आगे बीन बचाकर केंद्र और राज्य सरकार का विरोध किया। संगठन के अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि कोरोना काल में यूजीसी द्वारा परीक्षा लेने की घोषणा सरकार के द्वारा ली गई गलत फैसला है, सरकार आंख बंद करके फैसला लेती है। प्रोटेस्ट ये है कि आज हमारा देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया कोरोना में, तो हम छात्र हैं और बिहार और इस देश के छात्र बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जब संसद बंद हो सकता है, सारे तरह के चीज़ों को रोका जा सकता है, तो फिर एग्जाम लेने का क्यों नोटिफिकेशन दिया जा रहा है? यूजीसी के द्वारा एक निर्णय होता है कि सितंबर लास्ट में एग्जाम लेंगे, तो छात्र हित में कहीं से नहीं, जहां हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। जमशेदपुर पुलिस को लगातार 3 दिनों से दूसरी सफलता हाथ लगी है। 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके पहले 1 लाख का इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ा और अब नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाला पियोन बिरहोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो घाटशिला का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ में बिरहोर ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में आकाश दस्ता सक्रिय है, जिसको पकड़ने के लिए 3 राज्यों में पुलिस लगी हुई है। फिलहाल पुलिस बिरहोर की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि मान रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही नक्सली आकाश तक पहुंच जाएंगी, ये बहुत जल्द ही पुलिस आकाश तक पहुंच जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क और सामाजिक दूरी बनाए बेपरवाह लोग घूम रहे हैं। सिवान के अस्पताल मोड़ पर कामकाज के सिलसिले में हर दिन बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा होते हैं, लेकिन मजदूर ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा बना रहता है।
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसको लेकर कई निर्देश और टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे बिहार से सभी जिलों से निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। सिमडेगा के बूढ़ा पहाड़ में दो चट्टानों के बीच एक हाथी फंस गया है। हाथी के फंस जाने के बाद दल के सभी हाथी वहां डेरा जमा चुके हैं। बता दें कि हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोशिश नाकाम रही। पिछले 3 महीनों से सिमडेगा के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों का तांडव जारी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। सरायकेला खरसावा पुलिस ने खरसावा थाना क्षेत्र के राय जामा और कंडेरकुटी गांव में एंटी नक्सल अभियान चलाया। इस दौरान दोनों ही गांवों में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोक संपर्क अभियान भी चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने जरूरतमंदों के बीच साड़ी धोती का वितरण किया, बच्चों को कॉपी कलम और पेंसिल दी, खिलाड़ियों को फुटबॉल दिए। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक और वरीय पदाधिकारियों ने गांव के युवाओं के साथ फुटबॉल भी खेला। सरायकेला पुलिस के इस मुहिम में दीपक फाउंडेशन ने भी सहयोग किया, जिनकी ओर से मेडिकल कैंप चलाया गया, जिसमें करीब 100 लोगों का हेल्थ चेकअप कर उन्हें दवाइयां दी गई। कोरोना काल में स्कूल भले ही बंद हो, लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। खबर गढ़वा से है, जहां स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम लीडर स्कूल है। इस अभियान के तहत हर पंचायत में एक स्कूल का चयन होना है, जिसे लीडर स्कूल के रूप में स्थापित करना है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि दशकों से आज तक प्रयोग ही होता आया है, पर कभी सुधार नहीं हुआ। झारखंड में मॉनसून फिलहाल थोड़ा कमजोर है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई है कि 4 से 5 दिनों के अंदर झारखंड में अच्छी खासी बारिश होगी। यही समय किसानों को धान रोपने के लिए अनुकूल रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान धान रोपने के लिए तैयार हो जाएं, इस बार फसल भी अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक रोपनी की सलाह है। रांची में माफ करिएगा, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।